हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में, एक कैपेसिटर क्यों डीसी को ब्लॉक करता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। ठीक है, कल जो हमने इंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था, तो इंडक्टर के केस में क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था। उसी तरीके से कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में भी क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, ये कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है ये एज ए रेजिस्टेंस ही काम करेगा। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था वहाँ इंडक्टर में, वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो भी रेजिस्टेंस की तरह यूज होगा। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सी से। एक्सी इक्वल टू होता है 1/2πfc। इंडक्टिव जो रिएक्टेंस था वो क्या था, एक्सएल से रिप्रेजेंट करते थे। एक्सएल से एक्सएल इक्वल टू होता है 2πfL। यह हमारा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, अब कह रहे हैं कि डीसी को क्यों ब्लॉक कर रहा है। डीसी में क्या है, डीसी के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, जीरो होगी डीसी के लिए। तो अब यहाँ पे एक्ससी इक्वल टू 1/2π × 0 × c। तो ये क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा 1/0। ठीक है, मतलब एक्स ऑफ सी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब एक्स ऑफ सी बहुत ज़्यादा हाई हो गया मीन्स क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई हो गया। तो इसकी हाई होने का क्या मतलब है कि ये क्या करेगा, अपोज करेगा करंट के चेंज को, अपोज करेगा। तो जब करंट के चेंज को अपोज करेगा तो वहाँ फ्लो होने ही नहीं देगा। ठीक है, इसलिए डीसी के केस में ये कैपेसिटर जो है ब्लॉक करता है डीसी को, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। जब यहाँ फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे तो एक्ससी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। मीन्स एक्ससी बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया। ठीक है, एक्ससी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी। एक्ससी की वैल्यू हाई होने का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, यह पूरे तरीके से अपोज करेगा जो करंट है उसको, पूरे तरीके से अपोज करेगा मीन्स उसको फ्लो ही नहीं होने देगा। इसलिए कैपेसिटर के केस में डीसी ब्लॉक हो जाता है। अब बात करते हैं फिर से एक्सी इक्वल टू 1/2πfc। अगर एसी के केस में लेते हैं, ठीक है, और एसी तो एसी के केस में फ्रीक्वेंसी, अब देखिए यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं तो ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि एक्ससी क्या है, एक्ससी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ही कम। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जितना कम होगा वो उतना ही कम करंट को अपोज करेगा। करंट को जितना कम अपोज करेगा इसका क्या मतलब हुआ, करंट उतना ही आसानी से फ्लो होगी। करंट उतनी ही आसानी से फ्लो होगी मतलब कि एसी के केस में करंट फ्लो हो रही है फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी को कह दें कि अगर हम कम कर दें, ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितनी हम फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, फिर हमें ब्लॉक करेगा उस करंट को। ओके, ब्लॉक मतलब उस करंट को अपोज करेगा। इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस में यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रखने से क्या होगा, ये हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो वो अपोज करेगा कम करंट को, करंट को कम अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है, इजिली वो फ्लो होने देगा। ठीक है, तो अब यूज़ के हिसाब से हम देखेंगे
जैसा हमें यूज़ करना होगा उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे। अगर हमें फ्लो अच्छा कराना है तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हाई रखेंगे जिससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, आसानी से करंट फ्लो होगी। अगर हमें उसको ज़्यादा फ्लो नहीं कराना तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, कम रखेंगे ताकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई हो जाए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई होगा तो करंट को अपोज करेगा तो कम फ्लो होगी करंट, ठीक है। तो जैसा यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर लेंगे। तो ये रीज़न था कि कैपेसिटर जो है डीसी केस में कैपेसिटर इसको ब्लॉक करता है डीसी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।